गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे विल कंटिन्यू अवर सेकंड चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो. डियर स्टूडेंट, इन लास्ट क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट द काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. नाउ टुडेज अवर टॉपिक इज वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइव, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ पे रहते हैं. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मोस्टली जो है अपने सराउंडिंग के अंदर एयर, वाटर, सॉइल, ऑल टाइप ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर रहते हैं. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में सिंगल सेल लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ और मल्टी सेलर. ये हमने बताया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो सिंगल सेलर हो सकता है, मल्टी सेलर हो सकता है, ठीक है, सच एज एल्गी एंड फंगई. जैसे कि हमने बताया कि मल्टी सेलुलर के अंदर एल्गी या फंगई है, सिंगल सेलुलर के अंदर बैक्टीरिया, सम एल्गी और प्रोटोजोआ होते हैं. दे कैन सर्वाइव अंडर द ऑल टाइप ऑफ एनवायरनमेंट, यानी ये हर एक प्रकार के एनवायरनमेंट के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं, रेंजिंग फ्रॉम द आइस कोल्ड क्लाइमेट, यानी बहुत ज़्यादा ठंड होती है वहाँ पर भी आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया या फंगस मिल सकता है, टू द हॉट स्प्रिंग, और इसके अलावा बहुत ज़्यादा गर्म पानी के झरने होते हैं वहाँ पे भी आपको ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, एंड डेजर्ट टू हार्सली लैंड. इसके अलावा जहाँ पे बिल्कुल सूखा होता है वहाँ पे भी आपको ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे. दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ द एनिमल इंक्लूडिंग द ह्यूमंस, ये ह्यूमन बॉडी के अंदर भी आपको मिलेंगे. और सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म वाइल अदर्स एग्जिस्ट फ्रीली, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर ग्रो करते हैं या अंदर के ग्रो करते हैं, और कुछ जो है वो फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं एनवायरनमेंट के अंदर. दे आर ऑल्सो फाउंड एट द बॉटम ऑफ सी, बैक्टीरिया या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो सी के बॉटम पे समुद्र की गहराई में भी पाए जाते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर ऑल्सो प्रेजेंट इन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, जो सड़ी गली चीज़ें होती हैं उनमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं. दीज ऑर्गेनिज्म है help in the release of the minerals to the soil after the death of living organism by decomposing the. तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं ये डेड जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, डेड ऑर्गेनिज्म को जो है वो डिकम्पोज करके मिनरल्स को वापस रिलीज करते हैं सॉइल के अंदर, जो वापस रीयूज हो सकती है प्लांट के द्वारा. माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा कैन लाइव अलॉन वाइल अदर लाइक बैक्टीरिया एंड फंजाई मे लाइव इन द कॉलोनीज. देखिएगा अमीबा जैसे है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये अकेला रह सकता है, बट जो है फंजाई और कुछ दूसरे टाइप के बैक्टीरियाज जो है ये कॉलोनीज बना के रहते हैं, ठीक है. सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइव एज द पैरासाइट्स, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो पैरासाइट के रहते हैं, पैरासाइट की फॉर्म में रहते हैं, इधर आउटसाइड और इनसाइड द बॉडी ऑफ अदर्स ऑर्गेनिज्म. तो ये बॉडी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर या बाहर की तरफ रहते हैं. द नोज, थ्रोस्ट, माउथ एंड इंटेस्टाइन और मैनी एनिमल्स एंड इवन द ह्यूमन बींग्स आर इनहैबिटेड बाई ए नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो अपनी बॉडी के बहुत अलग अलग पार्ट्स के अंदर, नोज, माउथ, इंटेस्टाइन, इनके अंदर भी जो है एनिमल माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेगा. सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म हाउएवर कॉजेस द डिजीज, लेकिन इनमें से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो डिजीज कोज करते हैं. जैसे मलेरिया एक प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, प्लाज्मोडियम के द्वारा, विच लाइज एज द पैरासाइट इन द ह्यूमन बींग, ब्लड ऑफ द ह्यूमन बींग. तो ब्लड के अंदर ये पैरासाइट के फॉर्म में रहते हैं. देखिए एक्टिविटी दिया है आपको यहाँ पे, तो एक्टिविटी के अंदर आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखना है इसके अंदर. तो अपने क्या करा है, तूत का जो है टूथपिक लेके तूत को जो है इसको स्क्रैप करके अपने इसको क्लीन किया, और जो आपका इसको स्क्रैप करने के बाद इसको क्या करना है, एक स्लाइड के ऊपर लेके जो है वाटर की ड्रॉपलेट डाल के इसको स्प्रेड करना, स्प्रेड करके फिर जो है इसको ड्राई करके उसके ऊपर जो है क्रिस्टल वॉयलेट जो है डाई आता है, स्टैनिंग डाई, ठीक है, इस स्टैन को डालेंगे, इसको ड्राई कर लेंगे, देन जो है आफ्टर 5 मिनट्स जो है इसको क्लीन करके आपको यानी वाटर के थ्रू इसको वॉश कर लेंगे तो ये क्लीन हो जाएगी, ठीक है. एंड देन जो है इसमें एक्स्ट्रा स्टेन जो है रिमूव हो जाएगा, और स्लाइड को जो है माइक्रोस्कोप के नीचे जो है आप पहले लो पावर के नीचे अपन इसको
ऑब्जर्व करेंगे, देन हाई पावर ऑफ माइक्रोस्कोप इनिशियस को ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, तो आपको जो है बहुत सारी जो स्ट्रक्चर इसके अंदर नज़र आएगी, ये सारे जो है आपको बैक्टीरियाज जो आपके माउथ के अंदर होते हैं, बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन माउथ हैविंग नॉन बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन योर माउथ, व्हाट प्रिकॉशन वुड यू टेक टू सी दैट यू डोंट गेट डिजीज। तो आपके माउथ के अंदर भी बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, तो आपको क्या सावधानी रखनी पड़ेगी बीमारी से बचने के लिए। तो एक तो है टीथ शुड बी ब्रश्ड आफ्टर एवरी मील, यानी आपके दांत जो है वो हर एक खाने के बाद में आपको क्लीन करना चाहिए, और माउथ शुड बी थ्रोली रिंस्ड विद द क्लीन वाटर, और माउथ जो है वो साफ पानी से धोना चाहिए। यू कैन ऑल्सो स्टडी द बैक्टीरिया बाई परफॉर्मिंग द एंटीबायोटिक। अब इसके अंदर देखिएगा, ये एक और एक्टिविटी दे रखा है, अलाउ कुक पोटैटो और वेजिटेबल टू रॉट इन वाटर आफ्टर फ्यू डेज एग्जामिनिंग द ड्रॉप ऑफ वाटर अंडर द हाई पावर मैग्निफिकेशन। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, कुक्ड पोटैटो या उबले हुए जो आलू है या कुछ वेजिटेबल है उसको जो है पानी के अंदर आप डाल दीजिएगा सड़ने के लिए, तो कुछ दिन बाद में उसमें से वाटर की ड्रॉपलेट लेके आप जो है उसको वापस वही स्लाइड के ऊपर रख के क्रिस्टल वॉयलेट का स्टैंड डाल के उसको वॉश करके अपन एग्जामिन करेंगे, तो उसके अंदर भी आपको बैक्टीरिया नज़र आएंगे, तो आपका वाटर के अंदर भी वो बैक्टीरिया ग्रो हो जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, अब देखिएगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म और हमारे जो है ये कैसे यूज़फुल होते हैं या हेल्पफुल होते हैं इसको समझते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइव्स एज वेल एज इन द इन्वायरमेंट, तो अपनी लाइफ के अंदर और इन्वायरमेंट के लिए भी ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मैनी वेज वेयर एज द सम अदर्स आर हार्मफुल एंड कॉजेज डिजीज, तो इनमें से कुछ तो अपने लिए बेनिफिशियल होते हैं, अपने लिए लाभदायक होते हैं, और कुछ जो है डिजीज़ कोज करते हैं यानी अपने लिए हार्मफुल होते हैं। तो इसके अंदर अपने स्टडी कर रहे हैं यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर रहे हैं अपनी। ठीक है, तो यूज़फुल कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है अपने लिए यूज़फुल है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी है आपके एक्सरसाइज में। तो यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है पहला है प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, यानी बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं अपन कर्ड बनाने के लिए, ब्रेड केक इडली डोसा चीज़ इनके लिए। ठीक है, नेक्स्ट है इन मेडिसिन टू प्रोड्यूस एंटीबायोटिक एंड वैक्सीन, तो वैक्सीन बनाने एंटीबायोटिक बनाने के लिए भी जो है कुछ फंगस और बैक्टीरिया वायरस इनका यूज़ होता है। क्लीनिंग द इन्वायरमेंट, यानी बैक्टीरिया वायरस जो है वो इन्वायरमेंट को क्लीन करने के अंदर हेल्प करते हैं डेड ऑर्गेनिज्म को जो डिकम्पोज करके। इन इंडस्ट्री टू प्रोड्यूस द एल्कोहल वाइन एंड विनेगर, तो इंडस्ट्रीज के अंदर जो है एल्कोहल वाइन या विनेगर बनाने के लिए जो है बैक्टीरिया इनका यूज़ होता है। ठीक है, इन एग्रीकल्चर टू इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी, तो एग्रीकल्चर के अंदर जो है सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए भी बैक्टीरिया हेल्प करते हैं। तो ये यूज़फुल बैक्टीरिया हो गए, इनका डिटेल के अंदर अपन समझते हैं यहाँ पे। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड पहला, तो हमने बताया कि कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो मिल्क को जो है कन्वर्ट करते हैं कर्ड के अंदर। तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, मिल्क के अंदर जो शुगर होती है लैक्टोज शुगर जिसको मिल्क शुगर बोलते हैं, इसको जो है ये कन्वर्ट कर देते हैं इसको एसिड के अंदर, लैक्टिक एसिड के अंदर। ठीक है, तो ये मेनली जो बैक्टीरिया होते हैं वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, जो लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं, इस वजह से जो मिल्क है आपका वो सॉर यानी खट्टा होने लग जाता है। ठीक है, कर्ड को कैसे बनाने, तो अपन को पता है मिल्क लेते हैं उसको वार्म करके जो है उसको वापस थोड़ा कूल करते हैं, यानी नॉर्मल उसको कूल करते हैं, ज़्यादा कूल नहीं करते हैं उसको। ठीक है, देन उसके अंदर अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा कर्ड ऐड करते हैं जिसके अंदर जो अपने बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस उसको ऐड करते हैं ना, और उसके बाद में जो है उसको अपन बिना डिस्टर्ब किए हुए उसको रख देते हैं ताकि उसके अंदर जो बैक्टीरिया है वो प्रमोट, उनके नंबर्स ऑफ जो है बैक्टीरिया इंक्रीज होंगे और वो मिल्क की जो शुगर है उसके अंदर ये लैक्टोज शुगर को कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, लैक्टिक एसिड के अंदर, इससे क्या होगा मिल्क का जो मिल्क जो लिक्विड फॉर्म में होता है वो थोड़ा थिक होना स्टार्ट हो जाता है, उसके अंदर प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से फाइनली जो है वो इस तरह से अपने को कर्ड मिलता है। ठीक है, तो ये जो कर्ड है अब आप इसको जो है कूल प्लेस के ऊपर रख देंगे तो वो ज़्यादा जो है सौर इकट्ठा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि बैक्टीरिया की ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी, अगर अपन उसको ज़्यादा कूल प्लेस में नहीं रखेंगे तो ये बैक्टीरिया बहुत तेज़ी से जो है ग्रो करेंगे और आपका जो है कर्ड वो ज़्यादा उसके अंदर एसिड बनेगा। ठीक है,
एक एक्टिविटी दे रखा है, इसके अंदर देखिएगा, टेक सम कर्ड डिवाइड इनटू थ्री पार्ट, आपको कर्ड लेना और इसको तीन पार्ट के अंदर डिवाइड करना, और इसके बाद देखिएगा मिक्स वन पार्ट थ्रू टू ईच फ्लावर। अब इसको कर्ड का जो लिया आपने तीन पार्ट, इसको देखिए आपको अलग अलग टाइप के मिल्क के अंदर, कोल्ड मिल्क में डालना है, वार्म मिल्क में डालना और हॉट मिल्क के अंदर डालना, और उसके बाद में आप ऑब्जर्व करना है इसको सिक्स इन ईच केसेस आफ्टर 4 to 6 आवर इन समर या 12 आवर इन विंटर। तो अगर समर है तो 4 से 6 आवर बाद में इसको ऑब्जर्व करिएगा, और विंटर है तो 12 आवर बाद में, ठीक है। तो समर के अंदर ज़्यादा टेम्परेचर रहने की वजह से ये जल्दी से ग्रो करेंगे। तो इसके अंदर अपन देखेंगे कि जो कोल्ड मिल्क के अंदर अपने कर्ड डाला उसके अंदर भी जो है वो बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाएंगे, हॉट मिल्क के अंदर भी ग्रो नहीं कर पाएंगे, केवल वार्म मिल्क के अंदर जो ल्यूक वार्म होता है उसके अंदर ये बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, वही जो मिल्क आपका कर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, इन ब्रेड मेकिंग ईस्ट इज एडेड टू अनकुक्ड डो। तो ब्रेड मेकिंग के अंदर जो आटा होता है उसके अंदर भी ईस्ट डालते हैं, ताकि जो है ईस्ट जो ये रैपिडली प्रोड्यूस रिप्रोड्यूस करके कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगी रेस्पिरेशन के अंदर, क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन करती है, और ये जो गैस बबल्स की फॉर्म में जो है बाहर निकलेगी, तो इससे इसका जो अपने जो आटा लिया है ब्रेड के लिए वो इंक्रीज हो जाएगा, उसका वॉल्यूम यानी वो फूल जाएगा। दिस इज़ द बेसिस ऑफ ईस्ट बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग द ब्रेड और केक। तो इसलिए अपन इनको जो है ब्रेड और केक बनाने के लिए ईस्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको एक दिया है एक्टिविटी करने का, ठीक है, कैसे आप जो है ब्रेड का जो आटा अपन तैयार कर सकते हैं। तो ये एक तो अपन ने लिया इसके अंदर मैदा जो है, इसके अंदर ईस्ट डाला, और एक जो है बाद में देख रहे हैं इसके अंदर जो नॉर्मल कंडीशन के अंदर वो ये है, और वो ये राइज्ड हो जाए यानी फूलने के बाद में ये इतना हो जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर आपको 500 ग्राम जो है मैदा लिया, उसके अंदर से सोडा शुगर डाल दिया, ठीक है, और इसके साथ में जो है वाटर मिक्स करके 1 ग्राम जो है इसके अंदर ईस्ट पाउडर डाल के इसको अपन रख देते हैं 2 से 3 घंटे। तो इसके अंदर आपको देखेंगे कुछ टाइम बाद में ये जो है ये फूल जाता है। इसके अलावा देखिएगा आप घर के अंदर जैसे इडली वगैरह डोसा बनाने के लिए भी ईस्ट जो है का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, फॉर मेकिंग इडली या डोसा एंड द मिक्सचर ऑफ। तो इसके अंदर अपन जो राइस का जो मिक्सर बनाते हैं उसके अंदर अपन जो है ईस्ट को डाल के कुछ घंटे के लिए इसको रख देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम फंजाई लाइक एस्परजिलस पेनिसिलम एडिड टू द चीज़ टू गिव द स्पेशल फ्लेवर। इसके अलावा देखिए कुछ फंगस जैसे फंजाई एस्परजिलस है या पेनिसिलम है, इनका जो है स्पेशल फ्लेवर ऐड करने के लिए अपन जो है फूड के अंदर ऐड करते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग द सॉइल फर्टिलिटी। बैक्टीरिया जो है सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने में भी हेल्प करते हैं। तो अपने को पता है नाइट्रोजन जो है वो अपने इन्वायरमेंट के अंदर होता है 78%, बट ये जो इन्वायरमेंट के अंदर नाइट्रोजन होता है उस नाइट्रोजन का प्लांट्स डायरेक्ट यूटिलाइज नहीं करते। तो इस नाइट्रोजन को जो है इसके कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट करने का काम जो है ये बैक्टीरिया करते हैं जो सॉइल के अंदर रहते हैं। तो सम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर। ये एयर की नाइट्रोजन को लेते हैं और दिस माइक्रोब्स कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर और कन्वर्ट द एलिमेंटल नाइट्रोजन कंपाउंड ऑफ द नाइट्रोजन। तो ये जो एलिमेंटल नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजन के कंपाउंड में जो विच कैन बी एब्जॉर्ब बाई द प्लांट्स रूट फ्रॉम द सॉइल। इस नाइट्रोजनस कंपाउंड को ही जो है ये प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं, डायरेक्ट नाइट्रोजन एलिमेंटल नाइट्रोजन का यूज़ नहीं कर सकते। तो इस तरह से जो है बैक्टीरिया सॉइल के अंदर जो है नाइट्रोजन के कंपाउंड को बढ़ा के सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है। तो ये नेक्स्ट यूज हो गया। और देखिए अगला टॉपिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब यही है भाई कि जो एटमोस्फेयर की जो नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट करना है इसके कंपाउंड के अंदर। तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एटमोस्फेयरिक नाइट्रोजन इनटू कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो आप देख सकते हैं इसका बेस्ट एग्जांपल कुछ लेग्यूमिनस प्लांट जैसे होते हैं, जैसे जितने पल्सेस होते हैं ग्राम पीज वगैरह, इनकी रूट्स के साथ में एक बैक्टीरिया रहते हैं राइजोबियम। तो ये जो रूट के साथ में जिसकी रूट नोड्यूल्स होती हैं इनके अंदर ये बैक्टीरिया रहते हैं, और ये बैक्टीरिया इन्वायरमेंट की जो एलिमेंटल नाइट्रोजन है उसको यूज़ करके जो है उसको नाइट्रोजनस कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जैसे हमने दिया
राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं जो रूट प्रोड्यूस बनाते हैं लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर। तो ये जो रिलेशनशिप होता है इसको अपन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी बोलते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट लेते हैं प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल एंड विनेगर। बैक्टीरिया और इसका यूज़ जो है एल्कोहल और विनेगर बनाने के लिए भी करते हैं। माइक्रोऑर्गेनिज्म आर यूज फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल वाइन एंड एसिडिक एसिड। तो ईस्ट का यूज़ करते हैं फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल के लिए या वाइन या बियर बनाने के लिए। और फॉर द पर्पज दिस पर्पज द ईस्ट इज ग्रोन इन द नेचुरल शुगर प्रेजेंट इन द फ्रूट जूस और ग्रेन्स लाइक द बार्ली। तो इसके लिए क्या करते हैं ईस्ट को जो है वो ग्रो कराते हैं शुगर जूस में या फिर या बार्ली जो होते हैं अपने जौ का जो जूस होता है उसके अंदर जो है ईस्ट को जो है डाल के उसका फर्मेंटेशन कराते हैं। तो ईस्ट जो है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू जो है होता है। तो इनके अंदर एल्कोहल का प्रोडक्शन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो ये एल्कोहल से अपन वाइन और बियर बनता है। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू एल्कोहल इज कॉल्ड द फर्मेंटेशन। तो ये जो ईस्ट है जो शुगर को कन्वर्ट करती है एल्कोहल में, इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं फर्मेंटेशन, ठीक है। इफ़ अ वीक शुगर सॉल्यूशन इज द एक्सपोज टू द एयर इन द सेवरल डेज फ्रॉथली द स्कम ऑफ द सर्फेस अपियर एंड द लिक्विड बिगन्स टू द स्मेल ऑफ द एल्कोहल। अगर अपन देखिए शुगर सॉल्यूशन को ऐसे ओपन में भी रख लें तो कुछ दिन बाद में उसके ऊपर एल्कोहल की स्मेल आने लग जाएगी, क्योंकि उसके अंदर जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है ईस्ट के द्वारा जो एल्कोहल का प्रोडक्शन करते हैं। दिस चेंज टेक प्लेस बिकॉज ऑफ द टिनी ईस्ट सेल्स, है ना। तो ये ईस्ट सेल की वजह से होता है इसके अंदर। नेक्स्ट मैन हैज़ यूज दिस ऑब्जर्वेशन टू मेक द एल्कोहलिक बेवरेज एरोबिक बैक्टीरिया लाइक द एसिटोबैक्टर। इसके अलावा बैक्टीरिया भी जैसे अपन एसिटोबैक्टर इसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसका यूज़ जो है एसिटोबैक्टर बैक्टीरिया जो है इसका यूज़ होता है विनेगर या एसिडिक एसिड प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो एल्कोहल से जो है एसिडिक एसिड बनाने के लिए ये बैक्टीरिया हेल्प करते हैं। तो द फंगस जैसे एस्परजिलस है यूज फॉर प्रोड्यूसिंग द लार्ज क्वान्टिटी ऑफ सिट्रिक एसिड। तो एस्परजिलस फंगस का यूज़ करते हैं सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस करने के लिए, जो सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर यूज़ होती है, कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर यूज़ होती है। नेक्स्ट लेते हैं अपन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो कुछ फंगस है जिनका यूज़ एंटीबायोटिक्स प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। तो एंटीबायोटिक्स आर द केमिकल्स दैट किल्स द और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ सर्टेन काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी एंटीबायोटिक ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कुछ टाइप स्पेसिफिक टाइप के बैक्टीरिया की ग्रोथ को जो है वो स्टॉप कर देते हैं एंड दे हेल्प आर बॉडी टू फाइट डिजीज। इस तरह से अपनी बॉडी की हेल्प करते हैं डिजीज से फाइट करने के लिए। तो एंटीबायोटिक्स का जो नेम है वर्ड ये कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मीनिंग द अगेंस्ट द लाइफ। यानी ये ग्रीक वर्ड है एंटीबायोटिक्स, इसका मीनिंग निकल रहा है अगेंस्ट द लाइफ। एंटीबायोटिक वर्क ओनली अगेंस्ट द सर्टेन फॉर्म्स ऑफ लाइफ। तो एंटीबायोटिक जो है कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ बैक्टीरिया के अगेंस्ट में काम करती है। और इसको जो है सबसे पहले डिस्कवर करा था 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, है ना। तो इन्होंने जो है एक सडनली जो है वो बैक्टीरिया के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो सडनली ही फाउंड द स्पोर्ट्स ऑफ लिटिल ग्रेन मोल्ड ऑन हिज कल्चर प्लेट। तो वो जिस प्लेट के ऊपर बैक्टीरिया का कल्चर कर रहे थे तो उसके ऊपर कुछ ग्रीन कलर के स्पॉट नज़र आए और उन्होंने देखा कि प्रेजेंस ऑफ दिस ग्रीन स्पॉट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तो इसकी वजह से ग्रोथ नहीं हो रही है बैक्टीरिया की। तो बाद में उन्होंने इसको एनालिसिस करा तो पता चला कि ये फंगस होती है। इट ऑल्सो किल्ड द मैनी ऑफ दिस बैक्टीरिया फ्रॉम दिस एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन वॉज द प्रिपेयर। तो बाद में इसी जो ये ग्रीन कलर के जो स्पॉट थे एक्चुअली वो फंगस था पेनिसिलिन, और इससे जो है फिर ये पेनिसिलिन जो है एंटीबायोटिक बनाई गई, ठीक है। सून आफ्टर द एंटीबायोटिक्स वर आइसोलेटेड फ्रॉम द इधर बैक्टीरिया और फंजाई। उसके बाद में देखिएगा बहुत सारी जो एंटीबायोटिक्स स्ट्रेप्टोमाइसिन एरिथ्रोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन ये भी एंटीबायोटिक्स जो है वो प्रोड्यूस की गई फ्रॉम द फंजाई और बैक्टीरिया। एंटीबायोटिक्स आर यूज टू क्योर वेराइटी ऑफ डिजीज। यानी एंटीबायोटिक का यूज़ जो है बहुत सारी डिजीज़ को क्योर करने के लिए यूज़ करते हैं प्लांट और एनिमल के अंदर। इसके लिए एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते टाइम क्या प्रिकॉशंस रहना है। शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर। यानी क्वालिफाइड डॉक्टर की एडवाइस से ही लेना है। और मस्ट कंप्लीट द एंटायर कोर्स प्रेस्क्राइब बाय द डॉक्टर। पूरा कोर्स लेना है जब तक डॉक्टर बोला है आपको।
एक्सेस डोज तो मस्ट नॉट बी टेकन, ज़्यादा मात्रा में भी नहीं लेना है। इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ होता है वैक्सीन बनाने के लिए। तो वैक्सीन्स का यूज़ जो है वो कुछ डिजीज़ से बचने के लिए किया जाता है। जैसे कुछ वैक्सीन्स आपने सुना होगा जो अलग अलग एज के अंदर आपको लगते हैं वैक्सीनेशन प्रोग्राम के थ्रू, है ना। तो 8 to 9 में DPT वैक्सीन है, पोलियो VCG का वैक्सीन लगता है, ठीक है। और 9 to 12 मंथ में MMR यानी मम्स मिजल्स और रूबेला, है ना। 18 to 24 मंथ के अंदर DPT पोलियो का जो है ये वैक्सीन्स यूज़ होता है। तो ये वैक्सीन्स जो है अपनी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करके अपने को डिजीज से फाइट होने से बचाते हैं। तो वैक्सीन्स होते क्या हैं? तो कोई भी डिजीज़ कैरिंग माइक्रोब्स अगर बॉडी के अंदर एंटर करते हैं तो बॉडी इसके अगेंस्ट में जो है एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है उससे फाइट करने के लिए, ठीक है। और ये जो एंटीबॉडीज़ है ये रिमेम्बर भी करती है कि वापस कैसे अगर नेक्स्ट टाइम वो सेम माइक्रोब आता है तो उससे फाइट करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से जो वैक्सीन्स बनाने के लिए जो अगर अपन डेड या वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपने बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे तो बॉडी जो है इसके अगेंस्ट में जो है वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेगी और ये एंटीबॉडीज जो है अपने को प्रोटेक्ट करेगी डिजीज कोजिंग जो है माइक्रोब से, ठीक है। तो इस तरह से ये वैक्सीन्स वर्क्स करती है। सेवरल डिजीज इंक्लूडिंग द कॉलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स और हेपेटाइटिस जो है कैन बी प्रिवेंटेड बाई द वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन के द्वारा बच सकते हैं। सो द वैक्सीनेशन इज द सस्पेंशन ऑफ द डिजीज प्रोड्यूसिंग द माइक्रोब्स विच इज किल्ड और वीकेंड सो दैट द सस्पेंशन विल नॉट कोज इट। तो ये वीक या किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डिजीज कोज नहीं कर सकते बट जो है अपनी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज प्रोडक्शन को ये इंड्यूस करते हैं। तो ये इंड्यूस द एंटीबॉडी प्रोडक्शन अगेंस्ट द डिजीज कोजिंग माइक्रोब्स, ठीक है। तो ये एंटीबॉडी प्रोडक्शन के अंदर हेल्प करते हैं वैक्सीन्स। वैक्सीन्स का जो है बारे में सबसे पहले किसने बताया? एडवर्ड जेनर ने, है ना, एन इंग्लिश फिजिशियन, तो फादर ऑफ जो है इम्यूनोलॉजी भी बोलते हैं इनको। तो फर्स्ट डेवलप द वैक्सीन बाय यूजिंग द ऑर्गेनिज्म, लाइव ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके द फर्स्ट वैक्सीन डेवलप वॉज द स्मॉल पॉक्स। तो सबसे पहले मैंने स्मॉल पॉक्स का जो है वैक्सीन प्रोड्यूस करा। तो इसका एक स्टोरी भी है कि उन्होंने देखा कि जब बहुत सारे लोगों को स्मॉल पॉक्स का डिजीज़ हो रहा था तो जो मिल्क मैन है उसको स्मॉल पॉक्स का डिजीज़ नहीं हो रहा था, ठीक है। तो जब ये महामारी स्मॉल पॉक्स का फैला था तो मिल्क मैन को स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ था, उसका रीज़न समझ गए उन्होंने, देखा कि उस मिल्क मैन के अंदर पहले से ही जो है उसका स्मॉल पॉक्स के लिए जो है एंटीबॉडी प्रेजेंट थी। तो एक्चुअली जो है मिल्क मैन जो है वो काऊ इनके कांटेक्ट में रहने की वजह से उनके अंदर पहले से ही जो है ये एंटीबॉडी डेवलप हो गई। इफ़ दे हैड अर्लियर सफर्ड फ्रॉम द काउपॉक्स द जेनर वंडर अबाउट द पॉसिबल कनेक्शन एंड जेनर स्टार्टेड द इंजेक्शन काउपॉक्स टू द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम द। तो इस तरह से उन्होंने पता लगा लिया कि जो काउपॉक्स के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको अगर अपन इंजेक्ट कर दें बॉडी के अंदर, ठीक है, तो ये एंटीबॉडी बन जाएगी और उससे जो है नेक्स्ट डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इफेक्ट अपने बॉडी पर नहीं होगा। इस तरह से इन्होंने जो है स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन को डिस्कवर करा था एडवर्ड जेनर ने। तो ये अपना वैक्सीन के बारे में हुआ। नेक्स्ट है क्लीनिंग ऑफ द एनवायरनमेंट। तो कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो बैक्टीरिया फंजाई ये क्या करते हैं, डेड और डिकेइंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको जो है डिकम्पोज करते हैं या फिर डेड प्लांट्स और एनिमल्स को जो है डीके करते हैं ऑन द लैंड और वाटर। तो अगर मान लीजिए माइक्रोब्स नहीं रहेगा तो अर्थ के ऊपर बहुत सारे जो है डेड प्लांट्स एनिमल रहेंगे, तो ये बहुत सारा जो है फाउल स्मेल जो है गंदी स्मेल प्रोड्यूस होगी, तो ये एनवायरनमेंट अपना क्लीन नहीं रहेगा, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा ये डिकम्पोज करके जो कार्बन है, नाइट्रोजन कंपाउंड है ना, ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के एसेंशियल होते हैं वो वापस जो है वो सॉइल के अंदर मिक्स करते हैं और एनवायरनमेंट में मिक्स करते हैं। तो ये ब्रेक डाउन करके जो है इन केमिकल सब्सटेंस को वापस रिलीज करते हैं, ठीक है। एंड दीज सब्सटेंसेज आर देन द रिस्टोर्ड सॉइल वाटर इन द फॉर्म ऑफ दैट कैन बी यूज्ड बाय प्लांट और एनिमल। तो ये वापस जो एलिमेंट जो होते हैं नाइट्रोजन वगैरह इनको ये वापस इन्वायरमेंट के अंदर या फिर सॉइल वाटर के अंदर जो है मिक्स कर लेते हैं जो बाकी प्लांट वापस यूज़ कर सकें, ठीक है।
नेक्स्ट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज ए सोर्स ऑफ फूड, तो ये भी यूज़फुल है। तो ईस्ट जो है बींग द रिच इन अमीनो एसिड्स, कुछ ईस्ट की कुछ वेराइटीज़ होती है जिनके अंदर अमीनो एसिड्स ज़्यादा होते हैं एंड प्रोटीन की अमाउंट ज़्यादा होता है, इज़ इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फूड फॉर द ह्यूमन एंड फार्म एनिमल। तो इनका यूज़ करते हैं खाने के लिए, ह्यूमन बींग के लिए भी आता है और कुछ फार्म एनिमल्स के लिए भी। सम फंजाई सच एज द मशरूम आर ईटन एज द रॉ कुक्ड, मशरूम का यूज़ करते हैं खाने के लिए। बींग प्रोड्यूसर द एल्गी फ्रॉम द फर्स्ट लिंक इन द फूड चैन इन ऑल द वाटर बॉडी। तो एल्गी जो है ये एक प्रोड्यूसर का काम करती है, ठीक है, यानी ये सनलाइट को ट्रैप करके फूड का सिंथेसिस करती है। तो फूड चैन के अंदर ये सबसे जो है इनिशियली फर्स्ट लिंक के रूप में अपन इसको मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो अपने डिस्कस कर लिया है यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब इससे रिलेटेड जो एक क्वेश्चन आपका है इसके अंदर एक्सरसाइज के अंदर, ये देखिएगा आपका जो क्वेश्चन है मेजर ग्रुप्स ऑफ एक्सरसाइज के अंदर है आपका, ये देखिएगा शॉर्ट आंसर के अंदर है। मेंशन द डिफरेंट काइंड ऑफ माइक्रो, ये अपने प्रीवियस क्लास में कर लिया। सेकंड क्वेश्चन जो है मेंशन द वे विच द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल टू मैनकाइंड, और ये अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट इसके अंदर ये वाला लॉन्ग का क्वेश्चन है फर्स्ट, इसको अपन डिस्कस किया आज। बेनिफिशियल रोल ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले इन द लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग, तो ये जो सारे अपने जो बेनिफिट्स अभी डिस्कस किए यही है। तो इसका आंसर मैं आपको जो है थोड़ा शॉर्ट करके राइट डाउन करके सेंड कर रहा करूँगा, ठीक है। तो ये आपके लिए आज का होमवर्क हो जाएगा। ओके, थैंक यू।